फिर दोस्तों आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ में। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपनी गैस सब्सिडी को कैसे चेक करेंगे, चाहे इंडियन गैस हो या भारत गैस हो या फिर HP गैस हो। हम यहां पर फुल प्रोसेस के साथ में आपको बताने वाले हैं कि आप अपनी गैस सब्सिडी को कैसे चेक करेंगे, और साथ में ये भी हम आपको बताएंगे कि अगर आपने सब्सिडी चेक कर लिया है और आपकी सब्सिडी आपके अकाउंट में नहीं आ रही, तब आप यहां पर क्या करेंगे। ये हम लाइव प्रोसेस के साथ में यहां पर आपको दिखाने वाले हैं। तो ये जानने के लिए वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। और वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम हमेशा आपको क्वालिटी के साथ साथ विश्वास भी देते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों अगर आपकी भी सब्सिडी नहीं आ रही है या फिर आप जो है गैस की सब्सिडी को आप चेक करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे और उसके बाद में यहाँ पर टाइप करेंगे myLPG.in। तो इस तरीके से आपको पेज देखने को मिलेगा एंड इस पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको तीन सिलेंडर देखने को मिल रहे हैं। पहला है भारत गैस, दूसरा है गैस और तीसरा आपको इंडियन गैस का देखने को मिलता है। आपका किस गैस कंपनी का कनेक्शन है वो आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। आज हम इंडियन का यहाँ पर देखने वाले हैं, तो हम इंडियन सिलेंडर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, जैसे हम सिलेंडर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको ढेरों सारे ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन आपकी सब्सिडी नहीं आ रही है तो उसे चेक भी करना है। तो यहाँ पर जो है गिव फीडबैक, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक आपको LPG लिखा हुआ मिलेगा और ऊपर आपको सिलेंडर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप सिलेंडर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यानी कि सिलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है सेलेक्ट कैटेगरी एंड सब कैटेगरी टू लेट अस हेल्प यू। तो यहाँ पर नीचे देख सकते हैं आपको ढेरों ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको एक ऑप्शन मिलता है सब्सिडी रिलेटेड पहल, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर सब कैटेगरी ऑप्शन मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर तीन आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले सब्सिडी नॉट रिसीव, दूसरा है आधार लिंकिंग इशूज, तीसरा आपको मिलेगा आधार कार्ड रिलेटेड इशू। ठीक है, तो यहाँ पर हम सब्सिडी की ही बात करने वाले हैं और सब्सिडी नहीं आ रही है, नहीं आ रही है कैसे चेक करेंगे। तो हम यहाँ पर सब्सिडी नॉट रिसीव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो है आपकी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। यहाँ से आप अपनी सब्सिडी को चेक भी कर सकते हैं और इसके साथ में अगर नहीं आ रही है तो उसकी कंप्लेंट भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो तरीके से आप कर सकते हैं। पहले तो आप जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वो मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दूसरा, अगर आपके पास मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं है तो LPG ID आप टाइप करेंगे और उसके बाद में सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर मोबाइल नंबर के द्वारा करेंगे। तो हम मोबाइल नंबर अपना यहाँ पर टाइप कर देते हैं और मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद में सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और सबमिट के ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर को स्क्रॉल कर देंगे तो ऊपर स्क्रॉल करने के बाद में पूरी डिटेल आपको देखने को मिलती है। मोबाइल नंबर भी देखने को मिलेगा, नेम, और यहाँ पर ईमेल ID यहाँ पर नहीं है, पिन कोड, एड्रेस, और ये सारा कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि सब्सिडी हमारी आ रही है नहीं आ रही है, तो हम देखेंगे कैसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी डेट वाइज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ऑर्डर डेट देखने को मिलेगा कि किस ऑर्डर को, किस डेट को हमने सिलेंडर को ऑर्डर किया था, और डिलीवरी भी डेट आपको देखने को मिलेगी। उसके साथ में जो भी आपकी सब्सिडी अमाउंट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कैश मेमो डेट, ठीक है, सब्सिडी स्टेटस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो यहाँ पर स्टार्ट है यानी कि शुरू है, सब्सिडी बराबर आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है बैंक अकाउंट भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि किस डेट को सब्सिडी आ रही है या नहीं आ रही है, आप कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर सब्सिडी अमाउंट, अगर आपकी सब्सिडी नहीं आएगी तो यहाँ पर कोई भी अमाउंट फिल नहीं होगा, और अगर आपकी सब्सिडी आ रही है तो यहाँ पर अमाउंट फिल होगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि 18/3/2021 को भी आई है, और यहाँ पर 9/4/2021 को भी आई है, ठीक है, और यहाँ पर 10/5/2021 को आई है, और यहाँ पर 5/6/2021 को आई है
और यहाँ पर 29/6/2021 को हमारी जो सब्सिडी है वो आई हुई है। ठीक, अब हम यहाँ पर बात कर लेते कि सब्सिडी तो हमने आपको बता दिया कि आप कैसे चेक करेंगे, बट लेकिन अगर आपकी सब्सिडी नहीं आ रही है तब आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे आपको यहाँ पर इस तरीके से एक ऑप्शन मिलता है और एक बॉक्स मिलेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्लेन डिटेल अप टू 500 करेक्टर। तो यहाँ पर आप अपनी कंप्लेन को कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि हमारी तो यहाँ पर सब्सिडी आ रही है, ठीक है, तो हम यहाँ पर सबमिट तो नहीं करेंगे, तो यहाँ पर आपको कंप्लेन कर देना है और यहाँ पर आपको दिखा देना है कि मेरी सब्सिडी नहीं आ रही है, प्लीज़ आप चेक कर लीजिए। यहाँ पर इतना आप टाइप कर देंगे और उसके बाद में यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। उस रेफरेंस नंबर से आप जो है अपने चेक कर सकते हैं, यानी कि आपके द्वारा जो भी यहाँ पर जब आप सबमिट करेंगे तो आपकी कंप्लेंट दर्ज हो जाएगी और उस कंप्लेंट का उस रेफरेंस नंबर से आप स्टेटस यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि हम स्टेटस कहाँ से चेक करेंगे, यहाँ से सबमिट तो आप कर देंगे लेकिन स्टेटस कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए आप ऊपर को स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है व्यू सर्विस रिक्वेस्ट, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर दो तरीके से आप अपनी कंप्लेंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं। पहला तो आप मोबाइल नंबर डालकर ही कर सकते हैं और दूसरा आप यहाँ पर क्या है सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, जो आपको रेफरेंस नंबर मिलेगा यानी कि SR नंबर जो मिलेगा वो नंबर आप यहाँ पर टाइप कर देंगे और फाइंड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कंप्लेंट का स्टेटस भी शो होने लगेगा और पूरी यहाँ पर डिटेल जान पाएंगे कि आपके द्वारा जो कंप्लेंट की गई है उसमें अभी तक कोई सॉल्यूशन हुआ है या फिर नहीं हुआ, ये भी आप जान पाएंगे। अगर दोस्तों वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे दोस्तों के पास वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक करने से हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहता है।